रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। कौन है वो दुनिया में जो तुझे मुझसे बढ़कर चाहने लगा, जिसके लिए तू हाथ मेरा एक पल में छोड़ के जाने लगा। तू सोच समझ कर चाहो से। मजा आया। ओके कैसे कैसा सकर तो बहुत मस्त होंगे। सो इस वीडियो में जो ट्रेडर्स में सिखाएंगे आप लोगों को VFX दे करके एक न्यू ट्रेनिंग सॉन्ग के ऊपर डिटेल बताऊंगा। तो आप लोग इस टाइप का ट्रेडर्स ट्रेनिंग करना चाहते हो, वीडियो को फुल एच करते हो, वीडियो में जो कुछ मेडल वगैरह यूज करूँगा सभी का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें डायरेक्टली मेडल डाउनलोड करना चाहते हो मेटेरियल सेल में चुनाव, वहाँ पर सारे मेटेरियल लिंक मिल जाएगा। तो बस वीडियो अच्छा लगा ना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करके जो वे लगे ना उसको ऑल पे प्रेस कर देना। सो बस हम बिल टू अपलोड बिल टू एमटेक चैनल वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गैस ऑल राइट, इस ट्रेनिंग साउंड के ऊपर आप लोग को VFX देकर के ट्रेडर से ट्रेनिंग करने के लिए फ़ोन के अंदर एक ऐप रहना जरूरी है, वो है एलामोशन ऐप। तो एलामोशन वाले बिना वाटर मार्क नहीं है, मैं टेलीग्राम चैनल में जाना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल में जाके आप लोग सिंपली ऊपर पिन वायर के ऊपर टच कर देना पड़ेगा। पिन वायर के ऊपर टच करने के बाद ही सिंपली एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे जाके सिंपली लेटेस्ट वर्जन लिंक मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक के ऊपर टच कर देना, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे। वहाँ पर जाके सिंपली आप लोग ज्वाइन हो जाना। और टेलीग्राम ऐप का लिंक नहीं काम करता है टेलीग्राम ऐप में, मेरा चैनल नेम सर्च कर सकते हो बिल टू एमटेक बोल करके, तो आप लोग सबसे ऊपर मेरा चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना गाइस। और मैं मैंने सारे मेटल वगैरह भी देता हूँ, तो आप लोग सिंपली ज्वाइन हो जाना गाइस। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एलामेशन ऐप को ओपन कर लिया। तो करने के बाद आप लोगों को सिंपली दो प्रोजेक्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों प्रोजेक्ट का लिंक मैंने दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल में आप लोग डाउनलोड कर लेना। मैं प्रोजेक्ट पर टच करूँगा गाइस, तो सिंपली आप लोगों को दिखा दूंगा दो प्रोजेक्ट कौन सा है। एक म्यूजिक बीट मार जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आप लोगों को म्यूजिक रहेगा। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे वीडियो क्लिप ऐड करना पड़ेगा। तो कहाँ पे कौन सा वीडियो क्लिप ऐड करोगे मूवमेंट के हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूंगा, आप लोग कर लेना। ठीक है, तो सिंपली इस टाइप का आप लोगों को बीट मार्क रहेगा, यहाँ पे बीट मार्क के अकॉर्डिंग आप लोगों को वीडियो क्लिप को सिंपली ऐड करना पड़ेगा और इफेक्ट को। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का जो टाइटल शो करो आप लोग देख सकते हो ऊपर, म्यूजिक प्रोजेक्ट बाय बिल टू एमटेक ऐसे टाइटल शो करेगा। इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा और एक आप लोगों को इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दो इफेक्ट शो करेगा। तो इस सारे दो प्रोजेक्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक के ऊपर टच करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में डायरेक्टली आप लोग एलामोशन के अंदर नहीं लेकर आएगा, कोई ब्राउजर पे ले जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों को इंपोर्ट करने के लिए एलामोशन के अंदर लेकर आया जाएगा। तो आप लोग इंपोर्ट कर लेना। तो इसका भी टाइटल देख लीजिए, इफेक्ट प्रोजेक्ट। तो इन दोनों प्रोजेक्ट को आप लोग सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने के बाद सिंपली मेन प्रोजेक्ट को आप लोग को ओपन करना पड़ेगा, म्यूजिक बीट मार्क का जो प्रोजेक्ट है। तो मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद सिंपली फर्स्ट आप लोगों को वीडियो कैसे ऐड करोगे मैं आप लोग दिखा दूंगा। तो मैं जो भी वीडियो ऐड करूंगा तो आप लोगों को दे दूंगा सारे टेलीग्राम चैनल में, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो प्लस आइकन में टच करना, उसका सिंपली आप लोगों को ऑडियो के हिसाब से आप लोगों को वीडियो क्लिप को ऐड करना पड़ेगा। मूवमेंट जब जिस टाइप ऑडियो का लिरिक बोलेगा वैसे करके आप लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो मीडिया पर जाऊँगा, उसका सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, उसके सिंपली यहाँ से फोल्डर को चूज़ कर लेते हो गाइस। तो सिंपली मैं कैपकट ऐप के बना के थोड़ा सा रखा था वीडियो क्लिप को। तो फर्स्ट आप लोगों को इस टाइप के झगड़े का वीडियो ऐड करना पड़ेगा, तो 4 सेकंड का है गाइस। तो इसको प्लस सेकंड में टच के इसको ऐड कर लेंगे, उसके सिंपली इसको भी आप लोग ऐसे करके प्रेस करना पड़ेगा। तो सिंपली प्रेस करके आप लोग देखना पड़ेगा, इतना तक रखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे का पार्ट भी आप लोग ऐसे करके कट कर सकते हो, ऐसे करके झगड़े चल रहे हैं तो आगे का पार्ट काट देना ऐसे करके। तो उसके सिंपली इसको भी ऐसे करके रखना पड़ेगा और यहाँ पे लास्ट में जाके इसको भी ऐसे करके कट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेने काटने के सिंपली इसको थिएटर पे जाके इसको फिल कंप्रेसर एरिया कर देना पड़ेगा, ऐसे करके थिएटर पे जाके इसको फिल कंप्रेसर एरिया कर देना, हो जाएगा फिल स्क्रीन। तो ऐसे करके आप लोग को एक वीडियो क्लिप को ऐड करके दिखा दिया, उसके सिंपली फिर से दूसरे लिरिक आएगा तो यहाँ पे भी दूसरे मूवमेंट होना चाहिए। तो प्लस आइकन में टच करिए, मीडिया पे जाइए, उसके तो ऑलरेडी मेरा फोल्डर ओपन है। तो सिंपली आप लोग एक साथ भी वीडियो क्लिप ऐड कर सकते हो, आप लोग जब मतलब वीडियो का लिरिक सुन लोगे आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा मूवमेंट होगा। सिंपली यहाँ पे एक ऐसे करके प्रेस करके आप लोग सिंपली यहाँ पे प्रेस करके आप लोग ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हो कैसे, ऐसे करके आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग कर लेना, उसके सिंपली यहाँ पे प्लस आइकन में टच करने देना पड़ेगा। तो आप लोग दो ही करके दिखा दूंगा, तो लोग ऐसे करके एक साथ भी फोटो एंड वीडियो भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, इसके लिए आप लोग एक लाइक भी कर देना गाइस। तो सिंपली इसको मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है, इसको एक ही कर लेता हूँ, यहाँ पे टच करके इसको ऐड कर लिया। ठीक है, करने के बाद अभी आप लोगों को सिंपली इसका भी साउंड रहेगा, तो सिंपली यहाँ पे स्पीकर पे जाके म्यूट कर सकते हो, एंड ऑलरेडी साउंड म्यूट करके रखो, नहीं तो आप लोग ऐसे करके कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पे एक स्प्लिट मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लेयर के ऊपर टच करके तो थिएटर पे इसको फिल कंप्रेसर एरिया कर दीजिए, हो चुका है, उसके सिंपली यहाँ पे टच कर दीजिए, दो पार्ट में भाग हो जाएगा।
उसके सिंपली इसको भी ऐसे करके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पे दूसरी लाइन आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को ध्यान से लिरिक के हिसाब से वीडियो क्लिप को ऐड करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने करके रखा होगा, तो आप लोग ऐसे करके कर लेना। तो अभी करने के बाद अभी आप लोगों को सारे वीडियो क्लिप को ऐड करना पड़ेगा, मतलब ऐड करने के बाद इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने देखा, तो मैंने ऐसे करके इफेक्ट भी ऐड कर रखा हूँ और वीडियो क्लिप का जो मूवमेंट है वो भी चेंज हो रहा है एक एक टाइम, तो ऐसे करके कर लेना पड़ेगा। तो आप लोग दो वीडियो क्लिप के अंदर इफेक्ट दे करके दिखा दूंगा कौन सा इफेक्ट आप लोग ऐड करोगे, तो आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो इसको बैक कर लेता हूँ, उसके सिंपली आप लोग को इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लूँगा। उसका सिंपली यहाँ से आप लोगों को दो इफेक्ट मैंने बोला था, तो यहाँ से फर्स्ट आप लोगों को फोटो लेयर के ऊपर टच करना पड़ेगा, उसके सिंपली इफेक्ट पे जाके थिएटर पे इसको कॉपी इफेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो मैंने कॉपी कर लिया, उसके सिंपली मेन प्रोजेक्ट को ओपन करके हम लोग सिंपली इसको भी जो काम करेंगे गाइस, तो फर्स्ट जो वीडियो क्लिप ऐड किया था वीडियो क्लिप को आप लोगों को टच करना पड़ेगा, उसके सिंपली पेस्ट इफेक्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। इसको पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए, इसका ग्रेडियंट कलर हो जाएगा, देख सकते हो ऐसे करके कलर ग्रेडियंट हो जाएगा, हो चुका है। इसके अंदर अभी नहीं कुछ करना पड़ेगा, बैक हो जाइए। उसके बाद फिर से इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद सिंपली फर्स्ट यहाँ पे रुकना पड़ेगा, उसके सिंपली लेयर के ऊपर टच करिए, ऊपर जो फोटो के ऊपर लेयर है उसको टच करने के यहाँ पे टच करिए बॉक्स के अंदर, उसके बाद कॉपी लेयर कर लीजिए। मैंने कॉपी कर लिया, उसके सिंपली बैक हो जाएंगे। उसके बाद सॉरी, मैं मेन प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा गाइस। मेन प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद फिर से आप टच करिए बॉक्स के अंदर, पेस्ट लेयर कर दीजिए। तो ऐसे करके आप लोगों जितना तक फर्स्ट वीडियो है लेयर उतना तक रखना पड़ेगा। लेयर को ऊपर टच करके टाइमर आइकन पर टच करना पड़ेगा, उसके सिंपली इस आइकन पर टच उतना तक ले लीजिए। ऐसे करके इस लेयर को रखना पड़ेगा, उसके सिंपली फिर से आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे गैस। तो सिंपली लेयर को ऊपर टच करना, एक वीडियो क्लिप पार्ट को छोड़ना पड़ेगा, उसके बॉक्स अंदर टच करके इसको पेस्ट लेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को सिंपली करना पड़ेगा, उसके सिंपली यहाँ पे जो कॉपी था, यहाँ पे जो इफेक्ट दिया था वो वीडियो लेयर के अंदर इसको कॉपी कर लेना पड़ेगा। तो मैंने बोलना भूल गया था, सबसे पहले जो भी इफेक्ट वीडियो रहेगा सारे वीडियो के अंदर आप लोग को इस इफेक्ट को पेस्ट करना पड़ेगा, मतलब जो ग्रेडियंट कलर जो है सारे वीडियो क्लिप के अंदर इस ग्रेडियंट कलर को आप लोग को ऐड करना पड़ेगा। उसका सिंपली यहाँ पे ऐसे करके एक नंबर इफेक्ट को जितना तक लेना पड़ेगा आप लोग देख लीजिए, तो इतना तक है वीडियो लेयर, तो लेयर को ऊपर टच करना, उसके सिंपली टाइमर पर टच करके इसको इतना तक ले लीजिए, हो चुका है। उसका सिंपली फिर से आप लोगों को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरे इफेक्ट दे देना पड़ेगा। तो फिर से आप लोगों को ग्रेडियंट कलर को सारे वीडियो क्लिप के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे दो एक नंबर इफेक्ट को फिर से पेस्ट करना पड़ेगा, तो पेस्ट लेयर हो चुका है। उसके सिंपली इसको भी इतना तक ले लीजिए जितना तक आप लोग का वीडियो लेयर है, जैसे कि ट्राइमर में जाके इसको भी पेस्ट लेयर कर दीजिए, हो गया। तो ऐसे करके आप लोग को एक नंबर इफेक्ट को देना पड़ेगा, एक बार एक नंबर इफेक्ट को, उसके दूसरे नंबर इफेक्ट को देना पड़ेगा। दूसरे नंबर इफेक्ट को आप लोग दिखा देता हूँ, सिंपली सेम प्रोसेस में होगा। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले तो कॉपी कर चुका हो ग्रेडियंट कलर को, वहाँ पे सारे वीडियो क्लिप के अंदर दे चुका हो, सिंपली यहाँ पे लेयर के ऊपर टच करें इफेक्ट पे जाने के लिए, सिंपली यहाँ पे बॉक्स पर टच करके कॉपी लेयर कर दीजिए, हो चुका है। उसके सिंपली मेन प्रोजेक्ट को ओपन करके सिंपली आप लोगों को सिंपली जाना पड़ेगा दूसरे जहाँ पे वीडियो लेयर आ रहा है, पेस्ट क्लियर कर दीजिए, हो चुका है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे इतना तक ले जाना पड़ेगा जितना तक वीडमार है, तो टाइमर आइकन टच करिए उतना तक ले लीजिए। उसके बाद फिर से आप लोगों को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे देख लीजिए एक नंबर ऑलरेडी है, यहाँ पे आप लोगों को दो नंबर इफेक्ट को पेस्ट करना पड़ेगा, बॉक्स अंदर टच करिए पेस्ट लेयर कर दीजिए, उसके सिंपली एरो में टच करके लेयर को ऊपर टच करके सिंपली टाइमर आइकन में टच करके इसको इतना तक ले लीजिए। तो ऐसे करके एक दो करके आप लोगों को सारे वीडियो लेयर के अंदर घुमा फिरा के लगा देना पड़ेगा, ऐसे करके सारे इफेक्ट को। उसके बाद सिंपली आप लोग इंस्टा लोगो, यूट्यूब लोगो, जो भी है आप लोग ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद आप लोग वीडियो को फोन करके सेव करने के लिए यहाँ पे टच करिए, उसका सिंपली यहाँ पे क्वालिटी जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। उसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे एक्सपोर्ट पर टच करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, उसके बाद इंटरफेस आ जाएगा सेव बोल करके, उसको क्लिक करने के बाद वीडियो फोन के अंदर आप लोगों को सेव हो जाएगा। हे गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जो लोग बेल आइकन आता है उसको ऑल पे प्रेस कर देना, और गाइस प्लीज़ वीडियो को फिर लोगों से शेयर भी कर देना और एक लाइक भी कर देना गाइस, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा कैसे लगा। और अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग ऑल, बाय बाय।